दीदी एक बार तोर से मिल रही हो, बताए रही कीड़ा मरे वाला दवाई। हाँ, एक बार तो तोर से मिल रही हो। हम तो कीड़ा मरे वाला दवाई तो हम जानी वाला बनाए ले। हाँ तुम के तो कुछ सामान घरे मिलते ना, कुछ दिन के लिए पड़ते 50 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम गुड़, 50 ग्राम हल्दी। बस इतना सामान में हो जाता दीदी? हाँ अभी नहीं बता रहे दीदी कि घरे के सामान में हो जाता। तो 2 लीटर गोमूत लगता, 1 किलो गोबर, 1 किलो नीम पत्ता, 1 किलो गंधक पत्ता, 1 किलो दूध पत्ता। अच्छा ठीक। और एगो माटी के घड़ा लगता, और ये सब सामान जोगाड़ हो जाता। गोबर हाँ, दूध पत्ता हाँ, रसून हाँ, और हल्दी हाँ, गंधक पत्ता हाँ, और गुड़ हाँ, नीम पत्ता हाँ, 1 लीटर पानी हाँ, 2 लीटर गोमूत हाँ, और लास्ट में मिट्टी के घड़ा हाँ, और सब सामान हाँ। सबसे पहले तो एगो मिट्टी के घड़ा रखे है कि अब 1 किलो गोबर डालबे। पहले नीम पत्ता के कुटा थिए, आप तो कुटाए गए, आप दूध पत्ता के कुटब। दूध पत्ता लगा, कोई भी पत्ता में दूध निकले वो पत्ता में काम आवेला। दूध पत्ता तो आप कूट लिए, अब गंधक पत्ता कुटब। ठीक, अब तो हो कुटा गया, अब रसून के कुटब। अब का कर भिन दीदी? अरे गोमूत है 2 लीटर, अब के डालब। अभी दूध पत्ता के और नीम पत्ता के और गंधक पत्ता के अब डालब। और एक अच्छा तरह से मिलाए देवे। अब 50 ग्राम गुड़ डालब। अब 50 ग्राम लहसुन डाला थी। ठीक, अब 50 ग्राम हल्दी डाला थी। अब एक अच्छा से मिला दो थी। अब 1 लीटर पानी के डाल दो थी और फिर मिला दो थी। ये प्लास्टिक के झिल्ली के मिट्टी के घड़ा के मुंह के बांध दो थी। एकर मुँह के बांध लगे कि यहाँ गैस नहीं निकलता है और जल्दी तैयार होता है, इसलिए बांधती है। अब एक 8 से 10 दिन के लिए छाए में गाड़ देवे। अब तो तैयार हो गया, अब मिट्टी के गाढ़ा के गाढ़ा थी। एक हेल नहीं ढाई फिए कि 2 या 3 दिन अंतर में एक खोल के डंटा से चलाए हुए वाला सेल नहीं के पूरा ढक गया। आज कर काम तो खत्म हो गया है, और 10 से 12 दिन के बाद फिर आबो, और आगे फिर का होता है उसके बताबो। मैजिक कंपोस्ट में मौजूद पोषक तत्वों से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और यह पौधों के विकास में भी सहायक है।